Hi friends, once again, welcome to JX Knowledge YouTube and Facebook channel. Friends, today we are going to learn how to speak in English with past simple. So, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि past simple के माध्यम से आप कैसे अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। कहने के मतलब बीते हुए दिन को आप अंग्रेजी में किसी के साथ past simple के साथ किस प्रकार आप बातें कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों याद रखिएगा, अंग्रेजी सीखने के एक स्टेप होता है, उस स्टेप के साथ आप जब सीखेंगे और साथ ही साथ उसके प्रैक्टिकल को भी करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। सो आप सही वीडियो पर आए हैं। मैं इस वीडियो पर पास्ट सिंपल के प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको कैसे वार्तालाप किया जाएगा वो मैं दिखाने वाला हूँ। सो चलिए देखते हैं किस प्रकार पास्ट सिंपल से हम अपने बीते हुए बातों को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। पास्ट सिंपल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, मॉडल का प्रयोग इसमें नहीं होता है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव में डिड नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इंटरोगेटिव में डिड के साथ वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। इसका पहचान होगा खाया, गया, किया। आप इसे गया था, किया था, देखा था इसके संदर्भ में भी कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नेम, माई फादर, योर सिस्टर। अब माई फादर योर सिस्टर के जगह में अब माई ब्रदर, योर अंकल ऐसे भी आप लिख सकते हैं। एफर्मेटिव, यू प्लेड फुटबॉल, तुमने फुटबॉल खेले। He played football. उसने फुटबॉल खेला। अब नेगेटिव में किस प्रकार होगा? You did not play football. जब did का प्रयोग किया गया इसमें हम देख रहे क्रिया का पहली फॉर्म का ही प्रयोग हुआ। उसी प्रकार He did not play football. इंट्रोगेटिव में Did you play football? Did he play football? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव Didn't you play football? Didn't he play football? So इसमें हम देख रहे कि चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्यों ना हो, पास्ट सिंपल में सब के लिए वर्ब समान होगा, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। सो चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार हम पास्ट सिंपल से बीते हुए डेली रूटीन को बता सकते हैं। पास्ट सिंपल इसमें मैंने देन, एंड देन और आफ्टर का प्रयोग किया क्योंकि आपको पूरे सेंटेंस के अर्थ और इसमें लिखे हुए बातों को पूरी रीति से समझ आ सके। सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, सी, नेम, दे, इसमें से मैंने आई को प्रयोग किया और मैं अपने पिछले वीडियो में भी मैंने आई का प्रयोग किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आप अपने बारे में कैसे लोगों को बता सके। सो आज हम देखते हैं पास्ट डेली रूटीन यानी बीता हुआ कल के बारे में आप जब किसी को बताएंगे सो किस प्रकार बताएंगे। आई लिव इन दिल्ली इंडिया, मैं इंडिया के दिल्ली में रहता हूँ। आई गॉट अप एट ए क्वार्टर टू एट, मैं 7:45 बजे उठा। आई टुक ए शावर, इस जगह पे आप हेड भी लगा सकते, मैंने शावर लिया। गॉट ड्रेस्ड एंड देन आई ब्रश माई टीथ, उसके बाद मैंने कपड़ा पहना और फिर मैंने अपने दांतों को ब्रश किया। आफ्टर देन उसके बाद आई वेंट टू किचन एंड टुक ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं किचन गया और मैंने ब्रेकफास्ट लिया। आप इस टुक के जगह में हेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए आई टुक मिल्क, टोस्ट एंड ऑरेंज जूस, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट के लिए मैंने दूध, टोस्ट और ऑरेंज जूस लिया। देन आई स्टडीड फॉर 1 आवर, फिर मैंने 1 घंटा पढ़ाई किया। देन आई ग्रैब्ड
माई इंग्लिश कोचिंग क्लास बैग। उसके बाद मैंने इंग्लिश कोचिंग क्लास के बैग को उठाया एंड वेंट टू द बस स्टॉप टू कॉट द बस, और मैं बस स्टॉप चला गया बस पकड़ने के लिए। द क्लास स्टार्टेड एट 8 एंड फिनिश एट 10। क्लास जो है शुरू हो गया था 8 बजे और ख़त्म हुआ 10 बजे। एंड देन आई केम बैक होम, उसके बाद मैं घर वापस आया। देन आई वेंट टू कॉलेज बाई बाइक विथ माई फ्रेंड, उसके बाद मैं दोस्तों के साथ कॉलेज गया। आई टुक लंच एट द कॉलेज कैंटीन विथ माई कॉलेज फ्रेंड्स एट अबाउट 12 o'clock। मैं लगभग 12 बजे दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन में भोजन लिया। आफ्टर कॉलेज आई रिटर्न होम, कॉलेज के बाद मैं अपने घर वापस आया। एंड देन आई टुक ए रेस्ट, उसके बाद मैं कुछ समय आराम किया। आफ्टर देन आई डिड माई होमवर्क, उसके बाद मैं अपने गृह कार्य किया। आफ्टर होमवर्क आई लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविजन ए बाइट, उसके बाद मैं कुछ समय म्यूजिक सुना और टेलीविजन को देखा। एट 7:30 7:30 बजे इट वॉज टाइम फॉर डिनर, और ये डिनर के समय था। देन आई रेड अ बुक एंड चैटेड विथ माई पेरेंट्स फॉर ए वाइल, उसके बाद मैं कुछ समय किताब पढ़ा और माता पिता के साथ बातें किया। फाइनली आई वेंट टू बेड एट अबाउट 10 o'clock, बट बिफोर दैट आई ब्रश माई टीथ, उसके बाद मैं 10 बजे बिस्तर गया, लेकिन बिस्तर जाने से पहले मैंने अपने दांतों को ब्रश किया। सो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो रेड में लिखा हुआ है वो सारे वर्ब है, और पहले वीडियो में यदि आप देखे होंगे इसमें आपके वर्ब के पहली फॉर्म लिखा हुआ था और इसमें सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट सिंपल से बीता हुआ काल के बारे में कोई व्यक्ति बता रहा है। सो इस प्रकार आप भी बनाने का प्रयास करें। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कुछ आपको बताया वो सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों, याद रखिएगा कि केवल देखने से नहीं, आपको प्रैक्टिकल भी करना होगा। सो दोस्तों, आप प्रैक्टिकल उसे करें और साथ ही साथ आप उससे बोलने का प्रयास करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं सो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आप मुझे फेसबुक में देख रहे सो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, और लाइक तो बनता है। सो मैं फिर से एक बार आप लोग के साथ एक नई वीडियो लेकर मिलता हूँ। नमस्कार।